हेलो दोस्तों, मैं हूं अरविंद और आप सभी लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब के इस एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, आज हम मैथमेटिक्स का एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोण विधि। आप लोग देखते ही होंगे, यदि आप लोगों ने क्लास टेंथ में एडमिशन लिया होगा या लेने वाले होंगे तो आप लोग को पता होगा कि आप लोगों ने जब सिलेबस देखा होगा, सिलेबस में सबसे कहे तो ईजी चैप्टर बहुत ही अच्छा लगता है। यदि एक बार समझ में आ गया तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही ईजी है, यदि नहीं समझ में आया तो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि आप इसे सॉल्व करते जाओ और फिर वापस वहीं पे आ जाते हो जहाँ से आपने स्टार्ट किया होता है। तो आइए इस चैप्टर को बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं और कैसे इस क्वेश्चन इस चैप्टर से जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उसे इजी बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, बात करने वाले हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री क्लास टेंथ बेस पर। तो उसमें क्लास टेंथ बेस के अकॉर्डिंग हम बात करें तो हमें केवल दो ही टाइप्स के चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है। पहला टाइप क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, और सेकंड टाइप क्या है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है। मतलब क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के अंदर हम क्या पढ़ेंगे और आइडेंटिटीज के अंदर क्या पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे अपना पुराना और सबसे इजीएस्ट फंडा लाल बटे, ठीक है। इसके साथ साथ थीटा की वैल्यू यानी कि थीटा में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और भी उससे हायर डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग बात करेंगे। यानी कि इस चैप्टर के अंतर्गत हमें क्या बात करना है, केवल ये सिंपल सा फंडा यानी कि एक समकोणिक त्रिभुज पर जो भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं उस कंडीशन को पढ़ेंगे और उसके साथ उसकी वैल्यू के लिए वैल्यू पढ़ेंगे। ये आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में। तो बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में क्या पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में केवल आपके पास तीन फार्मूले, इसी तीन फार्मूले को और साथ में आपने ये जो पढ़ा है इन दोनों को ऐड करके बस केवल आपको ये तीन आइडेंटिटीज जो ट्रिग्नोमेट्री की पहली आइडेंटिटी है उसे यूज करेंगे और बाकी जो आपने इसके पहले चैप्टर में ये पढ़ा है उसको ऐड करेंगे और इसी को ऐड करके हम केवल पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैक्सिमम टाइम में इतने में ही हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, बट कभी कभी कुछ अपवाद भी है जहाँ पर कि ये सारी चीज़ें फाइंड नहीं हो पाती, मतलब कि इन सब से हमारा काम नहीं बन पाता, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो वहाँ पर भी कुछ बातें हम कर लेंगे वो एग्जाम्पल्स के बेस पर, यानी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसी बेस पर हम बात कर लेंगे कि किस तरीके से हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं, यानी कौन से फॉर्मूले को वहाँ यूज करेंगे जिससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में और थोड़ा आसानी हो जाए। तो आइए चैप्टर को शुरू करते हैं। पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बात तो बात समझ में आ गई कि लाल बटे कक्का पढ़ना और थीटा की वैल्यू के साथ हमें सॉल्यूशन तैयार करना है। बट चैप्टर स्टार्टिंग की बात कर लें तो सबसे पहले बात आती है हमारी कि एंगल कोण क्या होता है, ठीक है। बात आती है कि कोण किसे कहते हैं, तो डिफिनेशन बहुत ईजी है, दो रेखाओं के कटान बिंदु को कोण कहते हैं। यदि कोई भी दो रेखा एक दूसरे को चाहे जिस तरीके से कट कर दे एंगल कहलाती है, जिस तरीके से भी कट करे वो क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। एक ये गया, ये एंगल है थीटा, ठीक है। अब मतलब कि परिभाषा के अकॉर्डिंग बात करें दो रेखाओं के कटान बिंदु को कोण कहते हैं, लेकिन हमें इस चैप्टर के अंतर्गत जो भी ट्रायंगल यूज करना है वो केवल वन टाइप होना चाहिए, वो भी कौन सा, केवल समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल को ही इस चैप्टर के अंतर्गत हमें यूज करना है। राइट एंगल ट्रायंगल यूज करना है यानी समकोण त्रिभुज यूज करना है। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है पहले उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, आइए बात करते हैं। समकोण त्रिभुज एक ऐसी त्रिभुज होती है जिसमें एक कोण, आप जानते हो एक त्रिभुज मतलब तीन भुजाएं और तीन भुजाओं का मतलब तीन कोण और तीनों कोणों का सम 180 डिग्री, तो वो त्रिभुज कहलाता है। बट समकोण त्रिभुज की बात करें तो समकोण त्रिभुज में एक कंडीशन है कि समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होना चाहिए जिसका एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। यदि एक 90 डिग्री है तभी वो समकोण त्रिभुज होगा। अब उसके बाद वो मैटर नहीं करता कि ये सारे एंगल कितने होंगे, वो कुछ भी हो। तो आइए इस चैप्टर के अकॉर्डिंग बात करते हैं कि इस समकोण त्रिभुज का हमारे चैप्टर में क्या यूज है। सबसे पहले आप जानते हो कि ये जो त्रिभुज जिस पे बना हुआ है उसे हम क्या कहते हैं,
आधार कहते हैं, जिसके द्वारा बना हुआ है उसे लंब कहते हैं, और जो इन दोनों को मिलाती है उसे कड़ कहते हैं। इंग्लिश में बात करें तो इसे बेस कहते हैं, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेन्यूस है। अब इनका यूज कैसे है, देखिए, ये हमारा बेस, ये हमारा लंब यानी परपेंडिकुलर, और ये हमारा हाइपोटेन्यूस है। इन तीनों को यदि यूज करें तो सीधे सीधे आप जानते हो ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टैन, साइन थीटा। सपोज दैट हम यहाँ पे एक थीटा एंगल कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू और टैन थीटा इक्वल टू। अब बात करते हैं कि थीटा लिए तो साइन थीटा इक्वल टू होता क्या, साइन थीटा इक्वल टू होता है, देखिए अभी हम लोग बात कर रहे थे लाल बटे कटा की, सॉरी लाल बटे कटा की, तो साइन थीटा यानी लंब अपान कर्व यानी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा इक्वल टू बात करें आधार अपान कर्व, आधार अपान कर्व यानी आधार और कर्व, बेस अपान हाइपोटेन्यूस। टैन थीटा इक्वल टू क्या होगा, लंब बटे लंब अपान आधार, मतलब क्या है, मतलब ये है कि परपेंडिकुलर अपान हाइपो, सॉरी परपेंडिकुलर अपान बेस। अब इन सभी का अपोजिट जो होगा इज इक्वल टू, यहीं पे कोसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कट अपान लंब, कॉस का अपोजिट सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा कट अपान आधार, और टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा आधार अपान लंब, ठीक। इस तरीके से ये 6 रेशियो है, 6 रेशियो को हमें बात करना है, ठीक है। ये 6 रेशियो है, 6 रेशियो में साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ठीक है। आइए देखते हैं, जैसे कि यहाँ एक क्वेश्चन लिखा हुआ, क्वेश्चन को हम समझा देते हैं, हमने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, मैं शॉर्ट में लिखा हुआ है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो जिसका नाम एबीसी है, ठीक है। उस ट्रायंगल एबीसी में जो एबी की लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है, एसी की लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है, और बीसी की जो लेंथ है वो 13 सेंटीमीटर है। इस कंडीशन में हमें साइन बी कॉस बी और टेन बी की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो आइए सबसे पहले इस सोल्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है। सोल्यूशन लिखते पहले सोल्यूशन कैसे लिखते हैं इस सोल्यूशन को देखते हैं, ठीक है। सोल्यूशन लिखने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले हमें एक ट्रायंगल बनाना है, क्या करना है, ट्रायंगल बनाना है, बना लीजिए, ठीक है। ट्रायंगल का नाम क्या देना है, एबीसी, ठीक है, तो एबीसी दे दीजिए। हाँ, अब याद है कि एबीसी में हमें एंगल बी लेना है, ठीक है, एंगल बी लेना है, तो यानी एंगल बी 90 डिग्री नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि स्टार्ट किया ए बी सी, ठीक है, अब ये हमारा एंगल है 90 डिग्री, डी कुछ मान लेते हैं, बी ही मान लेते हैं, और ये सी मान लेते हैं, ठीक है। अब यदि ये ट्रायंगल लेंगे तो इस ट्रायंगल के लिए ये वाला हमारा क्या होगा, बेस होगा यानी आधार होगा, और ये क्या होगा, कर्व होगा, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री स्ट्रिक सामने है ना, और ये क्या होगा, जब इस ट्रायंगल को ले रहे हैं तो ये आधार होगा, इस स्ट्रिक सामने वाला ये क्या होगा, लंब होगा, इतनी बात समझ आई। अब इनकी वैल्यू दी हुई है, ठीक है, एबी की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, एसी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर और बीसी की वैल्यू 30 सेंटीमीटर, लिख लिया। लिखने के बाद क्या करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो है वो साइन बी की वैल्यू, तो साइन बी इक्वल टू हमसे क्या पूछा गया है, साइन बी इक्वल टू फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लाल बटे कक्का क्या कहता है, कक्का ये कहते हैं कि लाल बटे कक्का के अकॉर्डिंग लंब बटे कर्व होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लंब बटे कर्व, लंब कितना है 5 है और कर्व कितना है 13, पहले की वैल्यू आ गई। कॉस बी की वैल्यू की बात करें
फिर क्या आता है आधार बटे कर्ण, आधार की वैल्यू 12 है और कर्ण की वैल्यू 13, सेकेंड आंसर आ गया। टैन बी की बात करें तो टैन बी इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार यानी 5/12। देखिए ये वैल्यू आ गई इस यहां से, यदि सपोज दैट ये दोनों दिया हो, ये निकालने की इच्छा करें दोनों को डिवाइड कर दीजिए, क्यों, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा, ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, जब दोनों को डिवाइड करें 13 से 13 कैंसिल 5/12 वो ऑटोमेटिकली सॉल्व होके आ जाएगा। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आइए सेकेंड क्वेश्चन, अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे होगा। क्वेश्चन बहुत ईजी है, जैसे बस क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया, पैटर्न चेंज हो गया, क्वेश्चन जैसा पिछला वाला था सेम टू सेम वैसा ही है। अब आप देखो थोड़ा यहाँ पे एक नया तरीका यूज करना पड़ेगा इसके लिए, क्या कि यदि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है यानी समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का एक कंडीशन होता है कि हाइपोटेनस की जो लेंथ होती है वह उसके परपेंडिकुलर और बेस की लेंथ के स्क्वायर के एडिशन के इक्वल होती है। मतलब क्या है, सपोज दैट ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, तो एक्स के स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो वाई के स्क्वायर प्लस जेड के स्क्वायर के इक्वल होगी। ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल का कंडीशन, ठीक है। इसी कंडीशन को हम यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बनाइए, बना दिया, ठीक है, नाम लिखने की इच्छा है तो लिख दीजिए, नहीं इच्छा तो कोई बात नहीं। यहाँ पे थीटा ले लीजिए, ले लिया, नाम लिख ही देते हैं ए बी सी। अब यहाँ पे देखो कॉस थीटा की वैल्यू दीजिए, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार ये थीटा लिया तो आधार ये होगा, आधार 8 हो गया, ये 17 हो गया। तो अब ये x चाहिए ना हमें, बिना x के तो और वैल्यू फाइंड नहीं हो सकती है, क्योंकि x में चाहिए, तो x इक्वल x निकालना है, तो हम इसको लिख सकते हैं 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। जब इस 17 का स्क्वायर लिखेंगे तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, माइनस 64 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 522 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा रूट का 225, ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू आ चुकी है, कितनी आ चुकी है 50। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया क्या, पहला क्वेश्चन हमारा कॉस थीटा वो दिया हुआ है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, दूसरा क्वेश्चन साइन थीटा, ठीक है, क्योंकि अन्य त्रिकोण विधि अनुपात ज्ञात करने हैं, तो एक ज्ञात है हमारे पास, यानी 5 हमें फाइंड करने होंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 15, कर्ण कितना है 17, फाइंड हो गया। सेकंड क्या होता है कॉस थीटा, वो वहां पे दिया हुआ है, हमें टेन थीटा फाइंड करना है। देखिए वहां दोनों दिया है साइन और कॉस, 17 से 17 कैंसिल हुआ, क्या आएगा 15/8, ठीक है। यदि नहीं समझ में आया तो यहाँ से भी देख लीजिए, टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है बोलिए लाल बटे कक्का के अकॉर्डिंग देखिए तो लंब बटे आधार होता है, लंब कितना है 15, आधार कितना है 8, देखिए 15/8 आया कि नहीं आया, आ गया। अब यहाँ पे हमें चाहिए कोसेक थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा इक्वल टू साइन थीटा का आप लिख लीजिए 17/15 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चाहिए सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा का आप लिख लीजिए। नेक्स्ट आता है कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है टेन थीटा का आप होता है उसे लिख लीजिए, ये रहा हमारा आंसर और ये हो गया हमारा सोल्यूशन कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और भी क्वेश्चन की बात करेंगे और इसके सेकंड पार्ट के लिए जल्दी हम इसका सेकंड पार्ट भी लेके आएंगे। और यदि आपको हमारा ये मेथड और तरीका अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ठीक है।